ओम शांति। आज 5 अप्रैल 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति समझाते हैं। बाबा कहे, हमेशा याद रहे कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, तो कभी कोई विकर्म नहीं होंगे, विकर्मों से बचे रहेंगे। क्योंकि बाबा कहे, दिन प्रतिदिन समय बहुत नाजुक आता जा रहा है और इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान देना है, हो सके उतना श्रेष्ठ कर्म करना है। क्योंकि बाबा कहे, नहीं तो कर्म का लेखा जोखा अंत में हर एक को चुक तो करना ही पड़ता है। दूसरी बात, आज बाबा ने मुरली के गीत से आरंभ की। मुरली का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। तो बाबा कहे, जैसे दुनिया के अंदर भी बाप भोला होता है, बच्चे को पैदा करके फिर उसको सब कुछ दे करके वानप्रस्थ अवस्था में चला जाता है, ठीक इसी तरह शिव बाबा भी भोला है। तो बाबा कहे, ब्रह्मा बाबा भी कितना साधारण भोला है, कोई तिलक आदि नहीं, कोई दुपट्टा आदि नहीं, साधारण रीति बैठे हैं और साधारण रीति बच्चों को पढ़ाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, भोलानाथ मोस्ट बिलवेड बाप तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी, विघ्न खत्म हो जाएंगे। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विकर्म न हो? ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विकर्म न हो? उत्तर, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे, ये याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। अगर कोई छिपा कर भी पाप कर्म करते तो धर्मराज से छिप नहीं सकता, फौरन उसकी सजा मिलेगी। आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा, इस इंद्र सभा में कोई पतित छिप कर बैठ नहीं सकता। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि अब रूहानी बाप हमको यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। उनका नाम ही है भोलानाथ। बाप बहुत भोले होते हैं, दुनिया के पिता के साथ भी बाबा कंपैरिजन करते हैं कि बाप बहुत भोले होते हैं, कितनी तकलीफ सहन करके भी बच्चों को पढ़ाते हैं, संभालते हैं, फिर जब बड़े होते हैं तो सब कुछ उनको दे खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं। समझते हैं कि हमने फर्ज अदाई पूरी की है, अब बच्चे जाने तो बाप भोले ठहरे ना। यह भी अभी तुमको बाप समझाते हैं क्योंकि खुद भोलानाथ है, तो हद के बाप के लिए भी समझाते हैं कि वह कितने भोले हैं। वह हुए हद के भोले, यह फिर है बेहद का भोलानाथ बाप। परमधाम से आते हैं पुरानी दुनिया पुराने शरीर में, इसलिए मनुष्य समझते हैं कि पुराने पतित शरीर में कैसे आना होगा। न समझने के कारण पावन शरीर वाले कृष्ण का नाम डाल दिया है। यही गीता वेद शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे। देखो शिव बाबा कितना भोला है। आते हैं तो भी भासना ऐसी देते हैं जैसे कि बाप यहाँ ही बैठा है।
यह साकार बाबा भी बोला है ना, कोई दुपट्टा नहीं, कोई तिलक आदि नहीं, बल्कि साधारण बाबा तो बाबा ही है, एकदम साधारण बाबा तो बाबा ही है। बच्चे जानते हैं कितनी ये सारी नॉलेज शिव बाबा ही देते हैं, और कोई की ताकत नहीं जो दे सके। दिन प्रतिदिन बच्चों की लगन बढ़ती जाती है, जितना बाप को याद करेंगे उतना लव बढ़ेगा। बिलवेड मोस्ट बाप है ना, न सिर्फ अभी परंतु भक्ति मार्ग में भी तुम बिलवेड मोस्ट समझते थे, शिव बाबा को बिलवेड मोस्ट समझते थे। कहते थे, बाबा जब आप आएंगे तो और सबसे लव छोड़कर एक बाप के साथ लव रखेंगे। तुम अभी जानते भी हो, परंतु माया इतना लव करने नहीं देती है। माया चाहती नहीं कि यह मुझे छोड़ बाप को याद करे, वह चाहती है कि देह अभिमानी हो मुझे लव करे। माया क्या चाहती है कि देह अभिमानी हो मुझे लव करे, माया को लव करे, यही माया चाहती है। इसीलिए कितना विघ्न डालती है, तुमको विघ्नों को पार करना। बच्चों को कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना, पुरुषार्थ से ही तुम अपनी प्रारब्ध पाते हो। बच्चे जानते हैं ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है। एक तो विकारों का दान देना है, दूसरा बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्न का धन मिलता है वह दान करना है। तो बाबा कहे, ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है, पहला तो विकारों का दान देना है, दूसरा बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन मिलता है वह दान करना है। जिस अविनाशी धन से ही तुम इतने धनवान बनते हो, नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, वह है शास्त्रों की फिलॉसफी, यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। शास्त्र आदि पढ़कर भी बहुत कमाते हैं, एक कोठरी में ग्रंथ आदि रख दिया, थोड़ा कुछ सुनाया, बस इनकम हो जाएगी। वह कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है, यथार्थ ज्ञान एक बाप ही देते हैं। जब तक किसको ये रूहानी नॉलेज नहीं मिली है, तब तक वह शास्त्रों की फिलॉसफी बुद्धि में है, तुम्हारी बात सुनते नहीं है। तुम हो बहुत थोड़े, तो दुनिया के लोग सुनते नहीं है। यह तो 100% सर्टन है कि यह रूहानी नॉलेज बच्चों ने रूहानी बाप से ली है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत धन मिलता है। योग से सोर्स ऑफ हेल्थ अर्थात निरोगी काया मिलती है। ज्ञान से वेल्थ, यह है दो मुख्य सब्जेक्ट। फिर कोई अच्छी तरह धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं, तो वेल्थ भी कम नंबरवार मिलती है। तो योग से हेल्थ मिलती है, निरोगी काया बनती, और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। लेकिन जितना धारण करेंगे उतनी वेल्थ बढ़ेगी, कम धारण करेंगे तो उतना बाबा कहे वेल्थ भी कम नंबरवार मिलती है। सजाएं आदि खाकर जाय पद पाते हैं, पूरा याद नहीं करते तो विकर्म विनाश नहीं होते हैं, फिर सजाएं खानी पड़े, पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है, जैसे स्कूल में होता है। यह है बेहद की नॉलेज, इससे बेड़ा पार हो जाता है। उस नॉलेज में बैरिस्ट्री, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता है। यह तो एक ही पढ़ाई है, योग और ज्ञान से एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, प्रिंस बन जाते हैं,
वहां स्वर्ग में कोई बैरिस्टर जज आदि नहीं होते हैं, वहां धर्मराज की भी दरकार नहीं होती है, न गर्भ जेल में सजा न धर्मराज पुरी की सजा मिलती है, दोनों सजाओं से मुक्त हो जाते हैं। कौन? जो ज्ञान और योग से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं। तो स्वर्ग में न धर्मराज की सजा न गर्भ जेल की सजा है, गर्भ महल में बहुत सुखी रहते हैं, यहाँ तो गर्भ जेल में सजाएं खानी पड़ती है। इन सब बातों को तुम बच्चे ही अब समझते हो, बाकी शास्त्रों में संस्कृत में श्लोक आदि मनुष्य ने बनाए हैं। पूछते हैं सत्युग में भाषा कौन सी होगी? बाप समझाते हैं जो देवताओं की भाषा होगी वह चलेगी, वहां की जो भाषा होगी वह कहीं नहीं हो सकती, वह कलयुग में नहीं हो सकती। कलयुग में क्या और कोई युग में नहीं हो सकती? ऐसे हो नहीं सकता कि वहां संस्कृत भाषा हो, देवताओं और पतित मनुष्य की एक भाषा हो नहीं सकती। इतनी गहरी बात बाबा ने यहां बताई। स्वर्ग की हर रीत रसम रिवाज सब कुछ न्यारा, वहां ज्ञान योग की प्रालब्ध के रूप में एवर हेल्दी एवर वेल्दी है, वहां न गर्भ जेल न धर्मराजपुरी की सजा है। बाबा कहे वहां की भाषा जो होगी वो और कोई युग में नहीं होगी। ये नहीं कि वहां संस्कृत होती है, जो कलियुगी मनुष्य की पतित आत्माओं की जो भाषा होती है वो स्वर्ग के देवताओं की भाषा नहीं हो सकती है। वहां की जो भाषा होगी चलेगी, यह पूछने का रहता नहीं। पहले बाप से वर्षा तो ले ले, बाबा कहे पहले बाप से वर्षा तो ले लो, जो कल्प पहले हुआ होगा वही होगा। पहले वर्षा लो, दूसरी कोई बात पूछो ही नहीं। स्वर्ग के विषय में वहां क्या होगा, ये होगा वो होगा, बाबा कहे कुछ भी पूछो नहीं। अच्छा, 84 जन्म नहीं है, 80 व 82 हो, इन बातों को तुम छोड़ दो। बाप कहते हैं अलफ को याद करो, स्वर्ग की बादशाही बरोबर मिलती है ना, अनेक बार तुमने स्वर्ग की बादशाही ली है, चढ़ाई से उतरना भी तो है ना, चढ़ाई से उतरना भी तो है ना। अभी तुम मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख का सागर बनते हो, तुम पुरुषार्थी हो, बाबा तो कंप्लीट है। बाप में जो नॉलेज है वह बच्चों में है, परंतु तुमको सागर नहीं कहेंगे। सागर तो एक होता है, सिर्फ अनेक नाम रख दिए हैं। बाकी तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई नदियां, तुम हो मान सरोवर, नदियां, नदियों पर नाम भी है। ब्रह्मपुत्रा बहुत बड़ी नदी है, कलकत्ते में नदी और सागर का संगम है, उसका नाम भी है डायमंड हार्बर। कलकत्ता में गंगा सागर का जहां मिलन होता है उसको कहते हैं डायमंड हार्बर। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हीरे जैसे बनते हो, बड़ा भारी मेला लगता है। बाबा इस ब्रह्मा तन में आकर बच्चों से मिलते हैं। यह सब बातें समझने की है, फिर भी बाबा कहते हैं मन मना भव, बाबा को याद करते रहो। वह मोस्ट बिलवेड सब संबंधों की सैक्रिन है, वह सब संबंधी है विकारी, दुनिया के सब संबंधी है विकारी, उनसे दुख मिलता है। बाबा तुमको सबका एवजा दे देते हैं, सब संबंधों का लौ देते हैं, इतना सुख देते हैं और कोई इतना सुख नहीं दे सकते। कोई देते हैं तो अल्पकाल के लिए, जिसको ही सन्यासी काग विष्टा के समान सुख कहते हैं।
दुख धाम में तो जरूर दुख ही होगा। तुम बच्चे जानते हो, हमने ये अनेक बार पाठ बजाया है, परंतु हम ऊंच पद कैसे पाएं, उनका फिक्र रहना चाहिए। बहुत पुरुषार्थ करना है कि हम वहां फेल न हो जाएं। अच्छे नंबर से पास होंगे तो ऊंच पद पाएंगे और उनको खुशी भी होगी। सब एक समान हो न सके, जितना योग होगा। बहुत गोपिकाएं हैं जो कभी मिली भी नहीं है। बाबा कहे कहीं ऐसी बांधेली माताएं, जो ऐसी गोपिकाएं हैं जो कभी मिली भी नहीं है, बाप से मिलने के लिए तड़पती है। साधु सन्यासियों के पास तड़पने की बात नहीं रहती है। यहाँ तो शिव बाबा से मिलने के लिए आते हैं। वंडरफुल बात है ना, घर में बैठकर याद करते हैं, शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं। आत्मा को स्मृति आती है। तुम बच्चे जानते हो, हम शिव बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। वही बाप कल्प के बाद आया हुआ है, तो देखने बिगर रह न सके। उस बाप को देखने बिगर रह न सके। आत्मा जानती है बाबा आया है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, ये कुछ भी नहीं जानते हैं। नाम मात्र शिव जयंती मनाते हैं, बाकी कब आते कैसे आते कुछ भी नहीं जानते। छुट्टी भी नहीं करते हैं। दुनिया में कहीं पर भी शिव जयंती की छुट्टी नहीं, लेकिन इस साल सिक्किम के अंदर बहन जी ने वहां के चीफ मिनिस्टर से शिव जयंती की छुट्टी पास करा दी। बहुत बड़ा हिम्मत का कार्य किया है। तो इसीलिए बाबा कहे छुट्टी भी नहीं करते हैं। वर्षा जिसने दिया उसका कुछ महत्व नहीं। बाबा ने इतना बड़ा वर्षा दिया उसका कुछ महत्व नहीं दुनिया वालों को, इसलिए शिव जयंती की छुट्टी नहीं मनाते। और जिसको वर्षा दिया कृष्ण को, उसका नाम बाला कर दिया है। खास भारत को आकर हेवन बनाया है, बाकी सबको मुक्ति देते हैं। चाहते भी सब है, तुम जानते हो मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति मिलेगी। बाप आकर माया के बंधन से मुक्त करते हैं। बाप को कहा जाता है सर्व का सदगति दाता। जीवन मुक्ति तो सबको मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं यह है पतित दुनिया दुख धाम, सतयुग में तुमको कितना सुख मिलता है। उनको कहते हैं बहिस्त। अल्लाह ने बहिस्त किस लिए रचा? क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए रचा? अपनी अपनी भाषा में कोई स्वर्ग कहते हैं, कोई बहिस्त कहते। तुम जानते हो हेवन में सिर्फ भारत ही होता है। यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठी है। एक मुसलमान भी कहता था यज्ञ के अंदर, कराची में एक मुसलमान था, तो वो मुसलमान भी कहता था हम अल्लाह के गार्डन में गए, यह सब साक्षात्कार होते हैं। उनको बहुत सुंदर साक्षात्कार होता था, तो कहा हम अल्लाह के गार्डन में गए। ड्रामा में पहले से ही नूंधा हुआ है। ड्रामा में जो होता है, सेकंड पास हुआ कहेंगे, कल्प पहले भी हुआ था। कल क्या होना है ये पता नहीं है। ड्रामा पर निश्चय चाहिए, जिसमें कोई फिक्र नहीं रहेगा। हमको तो बाबा ने हुक्म दिया है, मां में कम याद करो और अपने वर्षे को याद करो। खत्म तो सबको होना ही है, कोई एक दो के लिए रो भी नहीं सकेंगे। मौत आया और गया, रोने की फुर्सत नहीं रहेगी, आवाज ही नहीं निकलेगा। आजकल तो मनुष्य राख भी लेकर कितना परिक्रमा करते हैं। भाव बैठा हुआ है,
सब वेस्ट ऑफ टाइम। इसमें रखा ही क्या है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, इससे भारत पवित्र बन जाएगा क्या? उन दिनों में नेहरू की राख को सारे खेतों में डाली थी, इसीलिए बाबा कहे इससे भारत पवित्र बन जाएगा क्या? पतित दुनिया में जो काम करते हैं पतित ही करेंगे, दान पुण्य आदि भी करते आए हैं, क्या भारत पावन बना? पूछते हैं बाबा, क्या भारत पावन बना है? सीढ़ी उतरनी ही है, सत्युग में सूर्यवंशी बने, फिर सीढ़ी उतरनी पड़े, धीरे धीरे गिरते हैं, बल कितना भी यज्ञ तप आदि करे फिर भी दूसरे जन्म में अल्पकाल का फल मिलता है। कोई बुरा कर्म करता है तो उसका भी एवजा उनको मिलता है। बेहद का बाप जानते हैं, बच्चों को पढ़ाने आए हैं, तन भी साधारण लिया है, कोई तिलक आदि लगाने की दरकार नहीं। तिलक तो भक्त लोग बड़े बड़े देते हैं, परंतु ठगते कितना है। बाबा ने कहा है मैं साधारण तन में आता हूं, आकर बच्चों को पढ़ाता हूं। वानप्रस्थ अवस्था ठहरी, कृष्ण का नाम क्यों डाला? यहां जज करने की भी बुद्धि नहीं है। अभी बाबा ने राइट रॉन्ग जज करने की बुद्धि दी है। बाप कहते हैं तुम यज्ञ तप दान पुण्य करते, शास्त्र पढ़ते आए, क्या उन शास्त्रों में कुछ है? हमने तो तुमको राजयोग सिखलाकर विश्व की बादशाही दी कि कृष्ण ने दी, जज करो। बाबा कहे जज करो, किसने दी बादशाही? हमने तो तुमको राजयोग सिखलाकर विश्व की बादशाही दी कि कृष्ण ने दी, जज करो। कहते हैं बाबा आपने ही सुनाया था, कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, वह कैसे सुनाएंगे? बाबा आपके ही राजयोग से हम यह बनते हैं। बाप कहते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है, बहुत पुरुषार्थ करना है। बाबा को समाचार सुनाते हैं फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है। मैं कहता हूं बिल्कुल निश्चय नहीं है। कोई अगर बाबा को समाचार देते थे कि बाबा फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, बाबा कहता बिल्कुल निश्चय नहीं है। जिनको बहुत प्यार किया वो आज नहीं है। बाबा तो सबके साथ प्यार से चलता है। जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। कहीं तो विकार में जाए फिर छिप कर आए बैठते हैं। बाबा तो झट संदेशी को बता देते हैं। ऐसे कर्म करने वाले बहुत नाजुक होते जाएंगे, आगे चल नहीं सकेंगे। पिछाड़ी के नाजुक समय कोई कुछ करता है तो एकदम मार्शल लॉ चलाते हैं, आगे चल तुम बहुत देखेंगे। बाबा क्या क्या करते हैं, बाबा थोड़ी सजा देंगे। धर्मराज द्वारा दिलवाते हैं, ज्ञान में प्रेरणा की बात नहीं है। भगवान को तो सब मनुष्य कहते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको आकर पावन बनाओ। सभी आत्माएं ऑर्गन्स द्वारा पुकारती है। बाप है ज्ञान का सागर, उनके पास बहुत वक्खर अर्थात बहुत वैरायटी सामान है। ऐसा वक्खर फिर कोई के पास नहीं है। कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। बाप की शिक्षा से ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने? बाप की शिक्षा से यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने? बनाने वाला तो बाप ही है। बाप आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। अब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है। तुम जानते हो 5000 वर्ष की बात है, अब घर जाना है, पाठ बजाना है। यह स्वदर्शन चक्र है ना, तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुल भूषण। पूरा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुल भूषण।
प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां लाखों की अंदाज में स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। तुम कितनी नॉलेज पढ़ते हो। बाबा कहे आगे चल करके बहुत बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, कितनी नॉलेज पढ़ते हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ये समय बहुत नाजुक है इसलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रख सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। दूसरी पॉइंट, योग से सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी है। एक बिलवेड मोस्ट बाप को ही याद करना है। बाप से जो अविनाशी ज्ञान का धन मिलता है वह दान करना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, स्वमान में स्थित रहे विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले देह अभिमान मुक्त भव। स्वमान में स्थित रहे विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले देह अभिमान मुक्त भव। पढ़ाई का मूल लक्ष्य है देह अभिमान से न्यारे हो देही अभिमानी बनना। इस देह अभिमान से न्यारे अथवा मुक्त होने की विधि है सदा स्वमान में स्थित रहना। संगम युग के और भविष्य के जो अनेक प्रकार के स्वमान है उनमें किसी एक भी स्वमान में स्थित रहने से देह अभिमान मिटता जाएगा। जो स्वमान में स्थित रहता है उन्हें स्वतः मान प्राप्त होता है। सदा स्वमान में रहने वाले ही विश्व महाराजन बनते हैं और विश्व उन्हें सम्मान देती है। आज का स्लोगन है, जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना, यही है रियल गोल्ड बनना। जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना, यही है रियल गोल्ड बनना। अच्छा ओम शांति।